गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल अमीनाबाद लखनऊ में आज निजीकरण निगमीकरण एनपीएस के खिलाफ जन कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें जनता की संपत्ति भारतीय रेलवे सहित सार्वजनिक क्षेत्र पर मोदी 2 के निजीकरण निगमीकरण के हमले के खिलाफ एकता बंद आंदोलन का निर्माण किया गया है। कानून में संशोधन की बात चल रही है तो इसके पीछे वो उदारीकरण संसारीकरण निजीकरण की नीतियां जो मनमोहन सिंह उस समय 91 में जिस पर समझौता करता है, साम्राज्य देशों साम्राज्य संस्थाओं के आगे घुटने टेकता है। असल में हमारी बर्बादी का सच में अगर कोई कारण है तो वो नीतियां। आज हम एनपीएस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने पिछले समय जब इलेक्शन हो रहे थे तो हमने आसिया में एक पहल की। चुनावी फैसले के नशे में मदमस्त मोदी ने सत्ता संभालते ही सार्वजनिक क्षेत्र पर हमला बोल दिया है। मोदी शासन 2 के 3 प्रमुख एजेंडा, सभी सार्वजनिक और सरकारी उद्योगों का तुरंत निजीकरण, मजदूरों के सभी संवैधानिक अधिकार और श्रम कानूनों का खात्मा, व्यापक पैमाने पर पहाड़ी जंगली कृषि जमीन रक्षा और रेलवे की भूमि को अधिग्रहण करके पूंजीपतियों को सौंपना, लिहाजा मोदी सरकार ने मजदूरों लोकतंत्र और संविधान तीनों का एक साथ सफाया करने के लिए 100 दिन का कार्य योजना लागू करना शुरू किया है। इन सांसदों से करेंगे, इन विधायकों से करेंगे, इन ब्यूरोक्रेट से करेंगे।